हेलो एवरीवन अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड एंसर की उसको देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पियाजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज द मतलब कि पियाजे ने इन्फेंसी के पीरियड को क्या कहा है तो उन्होंने इसे कहा है सेंसरी मोटर स्टेज तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन टू द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज़ नोन एज मतलब कि जब भी हम पहले से मौजूद स्कीमा में नई इंफॉमेशन को ऐड करते हैं उससे फिट करते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं हम एस्टिमलेशन मतलब कि जब भी हम एग्जिटिंग स्कीमा में मतलब कि पहले से मौजूद स्कीमा में नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे तो उस चीज़ को बोलते हैं एस्टिमुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वाई की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मतलब कि वाई के अनुसार लर्निंग को हम किस चीज़ से सेपरेट नहीं कर सकते तो जो वाई गॉड्सकी थे उन्होंने सोशियो कल्चरल अप्रोच को फॉलो किया उनका मानना था कि एक इंडिविजुअल क्या है सोसाइटी और कल्चर से सीखता है चीज़ों को लर्न करता है तो उनके अनुसार जो लर्निंग है उसे हम सोशल कॉन्टेक्स्ट से सेपरेट नहीं कर सकते तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोशल कॉन्टेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड मतलब कि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें क्या आता है तो जो सोशलाइजेशन है उसमें वैल्यूज ऑफ बिलीफ को एक्वायर करना कस्टम और नॉर्म्स को सीखना मतलब कि जो कल्चर है उसके जो तौर तरीके हैं जो नॉर्म्स हैं उनको लर्न करना और जो सोशल नॉर्म्स है उन्हें अडेप्ट करना तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्सेप्ट लर्न बाई अ स्टूडेंट इन साइंस क्लास इज यूज बाई हर इन सोशल साइंस क्लास दिस इज़ द टाइप ऑफ आपसे पूछा गया है कि कोई स्टूडेंट है जिसने कि साइंस क्लास में कोई कॉन्सेप्ट सीखा और बाद में उसने वो सोशल साइंस की क्लास में यूज़ किया अप्लाई किया तो इस चीज़ को हम कौन सा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहेंगे तो जब भी हम एक जगह सीखी चीज़ दूसरी जगह अप्लाई करते हैं मतलब कि जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट यहाँ सीखा और कहीं और अप्लाई किया तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज द डैश पैटर्न मतलब कि जो डेवलपमेंट है उसकी पेस यानी जो उसका रेट है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या करती है एक सिक्वेंशियल और ऑर्डरली पैटर्न को फॉलो करती है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी वर्क ऑन प्लेजर प्रिंसिपल मतलब कि फ्रोड के अनुसार पर्सनैलिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है तो आपको पता है कि जो इड है वो आपका प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इड इसके अलावा जो ईगो है वो आपका रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है और जो सुपर ईगो है वो मॉरल प्रिंसिपल पर काम करता है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मतलब कि इनमें से कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का टाइप है तो जब हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के टाइप्स की बात करते हैं तो इनमें आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफ़र ये तीनों आते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज मतलब कि ये तीनों आपके ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के टाइप है नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड अ चाइल्ड हु ग्रैफ फूड फ्रॉम अनदर बिकॉज ऑफ हंगर इज ड्रिवन बाय मतलब कि फ्रूड के अनुसार यदि कोई बच्चा है भूख के कारण वो क्या करता है किसी दूसरे से खाना ले लेता है तो यहाँ पे जो ये चीज़ है इस केस में यहाँ पे कौन काम कर रहा है इड काम कर रहा है मतलब कि इमिडिएट गेटिफिकेशन हो रही है मतलब कि उसे भूख लगी है तो उसने एकदम से क्या किया खाना ले लिया दूसरे से तो यहाँ क्या है ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है ये हो रहा है इड की वजह से तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इड नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कोग्नेटिव डेवलपमेंट प्रपोस्ड बाय ले गॉड्सकी चाइल्ड लर्न बेस्ट बाई वर्किंग मतलब कि आपको बताना है कि कोगनेटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो कि लेव वाई के द्वारा दी गई है उसके अनुसार जो बच्चा है वो सबसे बेहतर सीखता है तो जो लेव वाइकॉट्स की कोग्नेटिव डेवलपमेंट की, की थ्योरी है उसके अनुसार जो बच्चा है वो सबसे बेहतर सीखता है एडल्ट्स और एडवांस पीयर्स के साथ तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी विद एडल्ट्स एंड एडवांस पीयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड मतलब कि जब भी आप एग्जिस्टिंग स्कीमा यानी जो पहले से मौजूद स्कीमा है जब आप उसको चेंज करोगे नए इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए मतलब कि उसे इंक्लूड करने के लिए तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे तो जब भी हम एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करते हैं नए इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करने के लिए तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अकोमोडेशन और जब भी हम किसी एग्जिस्टिंग स्कीमा में क्या करते हैं नई इन्फॉर्मेशन को सिर्फ ऐड करते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एसिमुलेशन और जब भी हम नई इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं जो एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है उसको चेंज करते हैं आपको याद रखना है कि चेंज करेंगे तो उस चीज़ को हम बोलेंगे अकोमोडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश तो जो आपकी डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करती है जनरल टू स्पेसिफिक तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन टू टू सेवन ईयर्स इन द डैश स्टेज ऑफ कोग्नेटिव डेवलपमेंट मतलब कि प्याजे के अनुसार यदि कोई बच्चा दो से सात साल के बीच में है तो वो कोग्नेटिव डेवलपमेंट की किस स्टेज में है तो प्याजे के अनुसार वो बच्चा क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज में है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्री ऑपरेशनल स्टेज इसके अलावा जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें बच्चा जीरो से दो साल का जो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है उसमें बच्चा सात से बारह साल का और जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है उसमें बच्चा बारह से अबब होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडलिंग इज़ द कॉन्सेप्ट गिवन बाय मतलब कि जो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है तो ये दिया गया है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अल्बर्ट बंडूरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रन थिंकिंग तो जब भी हम सोशल प्रोसेस और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं मतलब कि जब भी हम सोसाइटी और कल्चर की बात करते हैं तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा सोसाइटी और कल्चर को इंपॉर्टेंस दी है लेव बाई गॉड्स की के द्वारा तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लेव बाई गॉड्स की क्योंकि उन्होंने बहुत इस चीज़ पे फोकस किया कि एक इंडिविजुअल है उसकी डेवलपमेंट के लिए जो सोसाइटी है और जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लव बाई गॉड्स की नेक्स्ट क्वेश्चन है ईगो इज गाइडेड बाय तो जैसे हमने अभी बात की थी कि जो आपका एड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है तो इसी तरह से जो आपका ईगो है वो काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रियलिटी प्रिंसिपल नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच डप लास्ट मतलब कि सबसे लास्ट में पर्सनैलिटी का कौन सा पार्ट डवेल्प होता है तो सबसे लास्ट में जो डवेल्प होता है वो है आपका सुपर ईगो आपको याद रखना है कि जो ईड है वो बर्थ से प्रेजेंट होता है और जो ईगो है वो ओरल स्टेज के एंड में डवेल्प होता है और जो आपका सुपर ईगो है वो सबसे लास्ट में डवेल्प होता है नेक्स्ट है स्टेज ड्यूरिंग विच साइकोसेक्सुअल एनर्जी इज डायरेक्टेड टूवर्ड डवेल्पिंग पीयर ग्रुप्स सोशल रिलेशन इज मतलब कि आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेज है जिसके दौरान जो साइकोसेक्सुअल एनर्जी होती है वो पीयर ग्रुप्स और जो सोशल रिलेशन होते हैं उनको बनाने की तरफ डायरेक्टेड होती है मतलब कि उन्हें बनाने में इन्वॉल्व होती है वहाँ पे वो लग जाती है तो जो लेटेंसी पीरियड है यानी जो लेटेंसी स्टेज है उसके दौरान जो साइकोसेक्सुअल एनर्जी होती है वो आपकी लेटेंट हो जाती है क्योंकि जो आपकी लेटेंसी स्टेज है वो क्या है स्कूल एज के साथ कोइनसाइड करती है तो उस समय पे क्या है बच्चा बहुत सारी स्कूल के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है और वो क्या है दोस्त बनाता है मतलब कि बहुत सारे सोशल रिलेशन वो फॉर्म करता है तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन सी लिटेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज़ द स्टेज बिटवीन मतलब कि आपको बताना है कि किस एज ग्रुप के बीच में जो ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट वाली स्टेज है वो आती है तो जो आपका टू से थ्री एज वाला पीरियड है मतलब कि जब बच्चा दो से तीन साल का होता है तो उस टाइम पे जो ऑटोनमी और जो शेम एंड डाउट वाली स्टेज है वो आती है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टू टू थ्री ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्सट्रैक्ट प्रपोजिशन मतलब कि आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर बच्चा एब्सट्रैक्ट चीज़ों के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू करता है तो ये है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इंक्लूड चेंजेस फ्रॉम तो जो डेवलपमेंट होती है उसमें क्या है कॉन्सेप्शन से डेथ के बीच जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे आते हैं क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो क्या है कॉन्सेप्शन से शुरू होती है और कब्र तक होती रहती है मतलब कि कॉन्सेप्शन टू डेथ ये चलती रहती है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन स्टेज आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि एरिक एरिक्सन की जो स्टेजेस हैं वो किसके बेस पर कैटेगराइज की गई हैं मतलब कि किसके बेस पर वो स्टेजेस बनाई गई, गई हैं तो ये जो स्टेजेस हैं ये बनाई गई हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेजोल्यूशन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्टस्ट क्वेश्चन है ईगो ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ तो आपको बताना है कि जो ईगो है वो किस बेस पे ऑपरेट करता है तो हमने अभी ये बात की कि जो आपका ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रियलिटी प्रिंसिपल नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज लाइज बिटवीन आपको बताना है कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो किस एज ग्रुप के बीच में लाई करती है तो जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो लाई करती है आपकी सेवन टू ट्वेल्व ईयर तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सेवन टू ट्वेल्व ईयर Next question is the conclusion: Children can learn violent behavior depicting in movies may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologist? अब यहाँ पे कंक्लूजन दिया है कि जो बच्चे हैं वो वायलेंट बिहेवियर सीख सकते हैं मूवीज़ के थ्रू तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी है मतलब ये जो यहाँ पे कंक्लूजन दिया है ये किसके मतलब कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ पे काम किया और इसके बेसिस पर ये कंक्लूज़न निकाला गया है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चा है वो चीज़ों को देख रहा है उसने ऑब्जर्व कर रहा है और उनसे वो सीख रहा है कि ये ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे तो इस पर जिसने बात की है वो है आपके अल्बर्ट बंडूरा तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अल्बर्ट बंडूरा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलोकॉर्डल फिजिकल डेवलपमेंट रेफर टू जो जो स्पेलोकॉर्डल है उसका मतलब होता है हेड टू टो मतलब कि जो बच्चा है सबसे पहले वो हेड पे कंट्रोल गेन करेगा मतलब कि सबसे पहले जो बच्चा है वो बॉडी के अपर पार्ट पे कंट्रोल गेन करेगा और उसके बाद वो निचले पार्ट्स पे कंट्रोल गेन करेगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पियाज़े स्टेजेस ऑफ कोगनेटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव डूरिंग तो आपको बताना है कि जो पियाजे की कोगनेटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस है उसमें कंजर्वेशन कब अचीव होती है तो इसे अचीव करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के दौरान तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड द अग्रेसिव बिहेवियर इज़ रिलेटेड टू तो जो फ्रॉड है उनके अनुसार जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो संबंधित है आपका फ्रस्ट्रेशन के साथ तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन स्टेज फॉर अडोल्सिस आपको बताना है कि एरिक्सन की कौन सी स्टेज जो है अडोलस पीरियड के साथ कोइंसाइड करती है तो वो है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डवेल्व स्टोरिंग तो हमें पता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो ड्वेल्व होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसी के साथ यदि हम और स्टेजेस के करेक्ट्रिस्टिक्स की बात करें तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जहाँ पर जो बच्चे दो से सात साल के होते हैं यदि हम इस स्टेज के करेक्ट्रिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो स्पोकन लैंग्वेज है यानी कि जो स्पीच है उसकी रैपिड डेवलपमेंट होती है मतलब कि बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीखता है इसी के साथ यहाँ पे बच्चे ईगो होते हैं ईगो का मतलब है कि वो सोचते हैं कि उन्हीं का व्यू पॉइंट ठीक है मतलब कि वो सेंटर है किसी भी चीज़ का इसी के साथ यहाँ पे बच्चों की स्टैटिंग थिंकिंग होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है यदि हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स की बात करें तो इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को लेके लॉजिकल थिंकिंग डवेल्प होना शुरू हो जाती है लेकिन सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए इसी के साथ यहाँ पे क्या है कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है कंजर्वेशन का मतलब है कि अब उन्हें शेप क्वांटिटी, एरिया ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती है इसी के साथ क्लासिफिकेशन या फिर ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में अरेंज करना या फिर उन्हें सीरीज़ में लगाना ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है यदि हम बात करें सेंसरी मोटर स्टेज के कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स की तो हमें पता है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है वहाँ पे क्या है बच्चे जीरो से दो साल के होते हैं जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेंसरी मोटर यानी कि जो सेंसेस है यही बच्चों को सब कुछ सिखाती है मतलब कि इस स्टेज में जो सेंसेस होती हैं वो बच्चों की टीचर होती हैं इस स्टेज में बच्चे अक्सर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि वो चीज़ों को सक करेंगे देखते रहेंगे उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे इसी के साथ इस स्टेज में क्या है लैंग्वेज की अबसेस होती है ये कुछ कररेक्ट्रिस्टिक्स थे इन सभी स्टेजेस के यदि आपको ज़्यादा जानना है तो उसके लिए आप मेरी जो डेवलपमेंटल थ्योरी यानी जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वाली वीडियोज़ है उनको देख सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे कोग्नेटिव डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अडोलसेंस आपको बताना है कि पियाजे की कोगनेटिव डेवलपमेंट में अडोलसेंस की स्टेज कौन सी है तो जो अडोलसेंस की स्टेज है वो है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल क्योंकि आपको पता है कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वहाँ पे बच्चे कितने होते हैं ट्वेल्व से अब होते हैं मतलब ट्वेल्व टू अडल्ट के बच्चे इसमें आते हैं और ये वाला जो आपका पीरियड है ये किसका है अडोलसेंस का पीरियड है तो इसके लिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फॉर्मल ऑपरेशनल नेक्स्ट क्वेश्चन है देलो कॉडल प्रिंसिपल ऑफ दैट एक्सप्लेन प्रोसीड फ्रॉम तो जो फेलो कॉर्डल प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का वो बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करती है हेड टू टो तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेड टू टो स्फेलोकॉडल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि स्फेलोकॉडल प्रिंसिपल का मतलब है कि सबसे पहले क्या होंगे बच्चे अपने हेड पे यानी जो अपर बॉडी के पार्ट्स हैं उन पे कंट्रोल गेन करेंगे उसके बाद क्या है वो लोअर बॉडी के जो पार्ट्स हैं उस पे कंट्रोल करना सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आपको बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए करेक्ट सिक्वेंस कौन सा है तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या होता है इन्फेंसी स्टेज आती है उसके बाद फिर चाइल्डहुड फिर अडोल्टेंस उसके बाद अडल्टुड आता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इन्फेंसी चाइल्डहुड एंड देन अडोलसेंस एंड देन अडल्टुड नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगो सेंट्रिक आपको बताना है कि जो पियाजे हैं उन्होंने क्या बोला था कि बच्चे क्या है ईगो सेंट्रिक होते हैं और ये किस स्टेज में कहा था कि बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें उन्होंने कहा था कि स्टेज में बच्चे क्या है ईगो सेंट्रिक होते हैं और जो ईगो सेंट्रिक है उसका मतलब होता है कि बच्चे सोचते हैं कि वो क्या है सेंटर है हर चीज़ का और हर चीज़ क्या है उनके आसपास घूमती है मतलब कि सिर्फ उनका ही व्यू पॉइंट सही है बाकियों का नहीं है मतलब कि वो अपने आप को क्या है सेंटर सोचते हैं तो इसका सही है ऑप्शन बी चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरी थिंग रिवॉल्व अराउंड हिम तो ईगो सेंटर का मतलब क्या होता है कि बच्चों को क्या लगता है कि वो हर चीज़ का क्या है केंद्र है और हर जो चीज़ें हैं वो उनकी चारों ओर घूमती रहती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे स्टेज ऑफ इन्फेंसीज तो आपको बताना है कि पियाजे की कौन सी स्टेज जो है इन्फेंसी की है तो हमें पता है कि जो पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज है जहाँ पर बच्चे कितने होते हैं जीरो टू टू ईयर के होते हैं तो ये वाला जो एज का पीरियड है ये क्या है इन्फेंसी का पीरियड है तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेंसरी मोटर मतलब कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें क्या है बच्चे इन्फेंसी स्टेज में होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंक्लूडेड दैट लैंग्वेज एंड सोशल कल्चरल एन्वायरमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन कोग्नेटिव डिवेलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड तो आपको बताना है कि किसने कहा है कि जो लैंग्वेज है और सोशलो कल्चरल एनवायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड की कोग्नेटिव डिवेलपमेंट में तो जब भी बात आती है सोशियो कल्चर की सोशियो कल्चर एनवायरमेंट की और लैंग्वेज की तो ये चीज़ें कही हैं आपकी वाई के द्वारा तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाई जो वाई हैं उन्होंने क्या किया है सोशियो कल्चर एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है बच्चों की कोग्नेटिव डेवलपमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोहल वर्क अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट मतलब कि आपको बताना है कि कोहलवर्ग के अनुसार एक बच्चा मॉरल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस से होकर गुजरता है तो जो कोहलवर्ग है उन्होंने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में थ्री लेवल्स दिए हुए हैं और हर एक लेवल में दो स्टेजेस हैं तो हमारे पास टोटल सिक्स स्टेजेस हैं और थ्री लेवल हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्स कि जो कुहल वर्ग है उन्होंने अपनी मॉरल डेवलपमेंट में सिक्स स्टेजेस दी हुई है जिससे कि एक बच्चा गुजरता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्स और यदि आपसे पूछा जाए कि कितने लेवल दिए हैं तो वो दिए हैं थ्री लेवल और उन लेवल के नाम है प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल और हर एक लेवल में दो दो स्टेजेस दी हैं तो टोटल स्टेजेस दी है सिक्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिन टू एक्वायर वोकेबलरी आपको बताना है कि किस स्टेज में बच्चा वोकेबलरी को एक्वायर करना शुरू करता है तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसका एक मेन करेक्टरिस्टिक्स है कि इस स्टेज में बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेजी से होती है बच्चा नए नए वर्ड सीखना शुरू करता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ़ माइंड अब जो सिगमेंट फ्रूड है उन्होंने माइंड को क्या है थ्री लेवल्स में डिवाइड किया है कॉन्सियस अनकॉन्सियस और प्री कॉन्सियस तो इसमें से जो हमारा लेवल ऑफ माइंड नहीं है वो है आपका सुपर कॉन्सियस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुपर कॉन्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी दैट वी ऑल एक्सपीरियंस अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल क्राइसिस थ्रू आउट आवर लाइफ वॉज प्रपोज बाई तो ये जो थ्योरी है जिसमें ये कहा गया है कि हम सभी बहुत सारे डेवलपमेंटल क्राइसिस को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो ये जो थ्योरी है ये दी गई है आपकी एरिक्सन के द्वारा तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एरिक एरिक्सन नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर थ्योरी ऑफ कोग्नेटिव डेवलपमेंट द आइकॉनिक स्टेज इज कंसर्न विद अब जो ब्रूनर है उन्होंने अपनी कोग्नेटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो थिंकिंग होती है वो थ्री स्टेजेस में डिवेल्प होती है इनएक्टिव आइकॉनिक और सिम्बॉलिक तो उसमें पूछा गया है कि जो आइकॉनिक स्टेज है उसमें क्या होता है तो जो आइकॉनिक स्टेज है उसमें हम विजुअल इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड को समझने के लिए तो इसका सही असर ऑप्शन बी जो आइकॉनिक स्टेज है इसे पिक्टोरल स्टेज भी कहा जाता है क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें इमेजेस या फिर कुछ और जो विजुअल चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को समझने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ़ द फॉलोइंग आर कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सेप्ट अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ये सारे क्या हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिवाय एक के और आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा है जो कि आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो हमें पता है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें इकोसेंट्रिक थॉट होते हैं स्टेटेड थिंकिंग होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन है ये आपका प्री ऑपरेशन स्टेज में नहीं होता मतलब कि यह आपकी प्री ऑपरेशन स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स गर नहीं है तो आपको क्या है हर एक स्टेज के करेक्टरिस्टिक्स तो याद होने चाहिए कम से कम जो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो आपको पता होने ही चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस स्टेज में बच्चे किस एज के होते हैं मतलब कि कौन सा एज ग्रुप कौन सा एज का पीरियड वहाँ पर लाया करता है मतलब कि उस स्टेज में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और सीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट री इन्फोर्समेंट इज कॉल्ड तो जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके या फिर इंस्ट्रक्शन को रिसीव करके किस चीज़ को सीखते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सोशल लर्निंग तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सोशल लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरिस्ट रिवाइज्ड सिगमंड फ्यूड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रिप्लेसिंग फ्रीड साइकोसेक्शुअल स्टेज विद साइकोसोशल स्टेज अब आपको यहाँ बताना है कि वो कौन से थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने सिगमेंट फ्रीड की जो डेवलपमेंट की स्टेजेस थी उनको रिवाइज किया था और उनकी जो साइकोसेक्शुअल स्टेजेस है उनको साइकोसोशल स्टेज से रिप्लेस किया था तो ये किया था आपका एरिक्सन के द्वारा तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एरिक्सन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईगॉट्स की थ्यूरी एम्प्लाइज तो जो वाई की थ्योरी थी उन्होंने एम्फोसाइज किया था कोलेबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड विच पार्ट ऑफ माइंड इज कम्पोज ऑफ मेनली लाइफ एंड डेथ तो आपको बताना है कि फ्रूड के अनुसार माइंड का वो कौन सा पार्ट है जिसमें जो लाइफ और डेथ इंस्टिंग हैं वो होते हैं तो ये है आपका इड जो इड है उसमें आपके लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट दोनों होते हैं तो आज के लिए सिर्फ इतना ही यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो थैंक यू